यहाँ पर मुझे स्पेस मिला, मैं यहाँ पर रख के बना रहा हूँ। अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, पर मुझे तो अच्छा दिख रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज जरा जाड़ी लगती रहेगी या दबके आ रही? दबके आ रही की जाड़ी आ रही है? जाड़ी आ रही है थोड़ा। कल मैं बहुत ज्यादा भीग गया था, थोड़ा मैं बाहर गया था, किधर दादर गया था, खार उड़ गया था, तो अब बहुत ज्यादा भीग गया था करके सर्दी हो गई थी। अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और बहुत दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाला हूँ। बस एक लोना लगा डाला था, एक जो सीट फट गया था, उसके बाद 5 दिन हो गए अभी तक एक भी वीडियो बना के डाले नहीं। तो मैंने सोचा आज मेरा थोड़ा घर का काम भी है तो सीढ़ी टूट गया और रोज वेल्डिंग होता ही है, तो आज मैं एक जो वेल्डिंग करता है मैं उसके पास आया हूँ, मेरा काम करके देगा। अब अपना जरा काम कर रहा है, सीढ़ी टूट गया है, तो वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मुंबई फायरेंस, दिस इज मनोज मनी। जो भी मेरे चैनल वाले सभी को नमस्ते। तो अभी मैं इसको लेकर जाता हूँ, 2 दिन से इसको बोल के रखा था, अभी तक कुछ काम किया नहीं है, अभी बोलता है आज करूँगा। तो अभी इसको लेकर आता हूँ, घर का काम है, सीढ़ी टूटा है, चढ़ने उतरने प्रॉब्लम हो रहा है, तो जाते घर पर मिलते हैं। और हमारे शेर बारिश की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे, वो तो अपना अभी मेरे सीढ़ी का कुछ काम कर रहा है। और ये बारिश दो दिन से लगातार हो रही ना, अब है 2 दिन से शाम को लगातार, और आज सुबह भी बारिश हुआ है, तो ये लोग बस सोए हुए कहीं जा नहीं पा रहे क्योंकि बारिश में कई लोग घूम नहीं सकते। अभी ये जो जगह आपको सूखा हुआ दिख रहा है करके वहाँ पर बैठे, और वो भी गीला हो जाता था ना, तो लोग कहीं भी नहीं बैठते, बस भीगे हुए रहते करके इतने जगह पे। और कुछ भी खाते जो खास रहा है खास रहा, कुछ भी खा लेते खाते रहते, कुछ खाया मत करो यार, बारिश में कुछ भी उठा लेंगे। ये तो अपना अभी काम कर रहा है, अभी वेल्डिंग मारेगा, सीढ़ी तो बन के आ चुका है। अभी मैं थोड़ा फ्रेश होने आता हूँ कि ये तो अपना काम कर लेगा, फिर उसके बाद देखते हो कहीं घूमने उमने निकलेंगे। वैसे भी संडे भी आज थोड़ा सा बीमार हूँ, पर दवा लेके थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो मैं थोड़ा फ्रेश होता है, फिर उसके बाद देखते कहाँ जाने करेगा। तो फाइनली अपन रेडी हो गए, बट रेडी हो के कुछ फ़ायदा नहीं, मुझे घूमने जाना तो मेरी गाड़ी चाहिए, बट मेरी गाड़ी मेरे पास है नहीं। अभी मेरी गाड़ी मेरा छोटा भाई लेकर गया है, उसको आरटीओ में गया क्योंकि उसका लाइसेंस बनाना है, तो अभी वो 18 साल का जस्ट हुआ रहेगा 2-3 महीना, तो अपना लाइसेंस बनाने गया, मेरी गाड़ी लेकर गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा क्योंकि आप सोचते रहे कि फ़ोन अभी इधर करके बता, बट कैसे करूँ, जो फ़ोन से लगाने वाला वही फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी वो लेकर गया है, कब आएगा पता नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, शायद एग्ज़ाम देता होगा, जब आएगा तभी घूमने आऊँगा। और वो तो अपना काम चालू रखा है सीढ़ी का, सीढ़ी बार बार टूटता है, नीचे ऊपर चढ़ने की बीच होता है, जब आएगा तब घूमने आएंगे, तब तक वेट ही करना पड़ेगा। अभी मैं संडे की गाड़ी में निकल चुका हूँ, बट मैं बीच से ऐसा स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सो गया था, मुझे दोस्त लोग ने उठाया, मैं घर पर सो गया था, इन लोगों ने लेट गया तो मुझे रात भर में सोया नहीं था। आप मेरा आँख देख ही बता सकते हो कि मैं थोड़ा नींद में अभी भी, तो मुझे इसलिए बीच से भी स्टार्ट करना पड़ा। तो मैं अभी आरे में हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, रॉयल पम्प एरिया में, मेरे एरिया से लेके रॉयल पम्प 9 किलोमीटर है। तो जो मेरे दो पीछे फ्रेंड दिख रहे हैं, दोनों एक्टिवा और एक मेरे एंटॉप, दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी साथ में ही है मेरे, और मेरे साथ वो गुड्डू अभी राइडिंग कर रहा है। मैं क्योंकि मैं नींद में था, मुझे बहुत तगड़ी नींद लगी थी क्योंकि रात भर सोया नहीं, थोड़ा फीवर नहीं था, थोड़ा सर्दी था, तो अभी अच्छा लग रहा है सोया था करके। तो वीडियो पीछे से स्टार्ट किया, तो अभी हम लोग अभी रॉयल पम्प के लिए निकल चुके हैं, तो मैं रॉयल पम्प जाके आपको मिलता हूँ। अब ये रास्ता चलाने में बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर खड्डे बहुत है, और हमारे राइडर कैसा लग रहा है गुड्डू, ये खड्डे में चलाने में थोड़ा सा तुम स्लो रखो यार, कैमरा पूरा हिल रहा है। और आपको सामने आपको रॉयल पम्प दिखता होगा जो ऊपर, ये देखो हाथ दिखाया ऊपर, वहीं हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता
खड़बुड़ा का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा खतरों की खिलाड़ी बनना पड़ता है ना। देखो ये समुंदर, अब देखो यहाँ पर समुंदर बन गया है, तो यहाँ से ऐसा गाड़ी निकालना पड़ता है। देखो आराम से, आराम से, आराम से। पीछे 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 वाला जरा ज्यादा जोश में आ गया और ज्यादा इसलिए कि लकड़ी बिकड़ी उड़ रहा है उसके ऊपर। गुट्टू तू आराम से चला, जैसे ये लद्दाख ट्रिप में होता है ना, खड़बुड़ा खड़बुड़ा सब निकालते हैं ना, वैसे ही लग रहा है ना, हाथ दुखने लग जाता है, हाथ तो दुखना स्टार्ट ही हो जाता है यार, पूरा हिलते रहता है खाली। अभी पूरा आगे तक ऐसे ही रोड मिलते हैं, यही रोड खराब है और आगे सब अच्छा ही है, बस यही रोड खराब है। और थोड़ा सा ऊपर जाने के टाइम खराब मिलता है। देखो आपके सामने जो दिख रहा है वो बिल्डिंग, ये पता नहीं चल रहा है, कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, पता नहीं जो पीछे आ रहे हैं उनकी गाड़ी जरा अनबैलेंस हो गया था। उसका नाम है शुभम, थोड़ा ऊपर जाके मिलते, थोड़ा ये खड़बुड़ी रोड को क्रॉस करके। अभी हम लोग रॉयल पम्प के एरिया में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर आप बैनर्स बोर्ड्स आपको दिखता होगा, ओयो करके, ओयो रूम, विलास, जो भी आपको सब आपको ये बिल्डिंग दिख रहा है, बिल्डिंग मतलब होटल है, और सब उतने यहाँ पर आप फैमिली के साथ आके या फ्रेंड के साथ आके एंजॉय कर सकते हो ना, पार्टीज के लिए भी, पार्टी वीटी जो भी करना है यहाँ पर विला मिलता है, तो हर जगह मजा रहा है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपना रास्ता खुद पकड़ लेता है। और अभी हम थोड़ा ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हैं, समझ लो लोनावाले में खाड़ी चढ़ रहे थे ऊंचाई पे, तो वैसे अभी हम लोग ऊंचाई पे आ रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ेंगे, राइट मारेंगे वैसी आ जाएगा पंप का, उधर आपको आगे से दिखाता है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना करके रखा गया, फोटोग्राफी एंड वीडियो शूटिंग नॉट अलाउड, ऑर्डर बाय रॉयल पम्प मैनेजमेंट। और यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर फोटो खींचा रहे बिंदास, उधर लिखा है नो, क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी और वीडियो शूट नहीं कर सकते, बट मनोज वीडियो बना रहा है और विक्रम अपना फोटो खींचा रहा है, मैं अपना ब्लॉगिंग चालू किया हूँ। और ये जो पीछे राइडिंग कर रहे थे आराम आराम से, जो गिरने वाले थे वो अभी संभल कर आ चुके हैं, और सब थोड़ा सा मजा आ रहा है, माइंड फ्रेश हो रहा है। और मैं 5-6 दिन से मैं किधर घुमा भी नहीं था, और आप देख ही सकते हो व्यू कितना मस्त है यहाँ का, और रॉयल पम्प तो आप देख ही रहे हो, पब्लिक आ रही जा रही है, मजे कर रही है। तो हम लोग भी थोड़ा अभी और ऊपर जाएंगे, ऊपर से आपको अच्छा सीन दिखेगा। और सब लोग अभी लोग सब क्या किसका लुक देखो, अबे लुक लुक सब, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जा, ये गली गैंग बॉय वाला बंदा है, और इसकी गाड़ी नहीं है असल में, गाड़ी इसकी है, छुप रहा है, हम उसको मालूम नहीं कि गाड़ी खरीद भी लिया है। कौन सी गाड़ी है, अपाची क्या, RTR 160 अपाची की गाड़ी है, मस्त दिख रही है मेरे को, मालूम नहीं एरिया में रहता है साथ में, बट बताया नहीं था कि गाड़ी भी ले लिया, और अब भी आने के बाद देख रहा हूँ गाड़ी भी अच्छी दिख रही है। कितने का गिरा, 125 की हैंड कैश, और लोन में 130, देख रहे हो गाड़ी देख रहे हो, सब एरिया में छुपे रुस्ते में, अपनी अपनी गाड़ी कब लेते पता नहीं चलता है। और कितना दिन लेके, अरे बस अब भी लिया और अभी आ गया रॉयल पम्प, मुझको मानो वो बोलता अभी लिया, उसको पूछ रहा तो बोलता अभी लिया और अभी लेके आ गया रॉयल पम्प, अच्छी बात है, डायरेक्ट बता रहा है गाड़ी, चलो एंजॉय करो, और गाड़ी अपाची तू भी मजे ले, अब जाके मैं भी थोड़ा ऊपर आके मजे लेता, चल गली है। मैं तो अपना व्लॉगिंग कर रहा हूँ और आप पीछे देख ही सकते हो, पोस्ट इधर मत देख, इधर हाँ चल, तो कैमरा में हट गया, आप फोटो शूट चालू है, पीछे आप बैकग्राउंड भी आप देख रहे हो, पीछे खाई है और सामने विला है, होटल है, शूटिंग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे स्पेस मिला, मैं यहाँ पर रख के बना रहा हूँ, अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, पर मुझे तो अच्छा दिख रहा है। और हमारा तभी और हमारे फोटो शूट वही कर रहे हैं, क्योंकि उसका नया फोन जल्द ने लिया है, और मैंने मेरा फोन पे मैं अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और बेचारे का फोन अभी तक है नहीं, वो अभी बेचारे क्या बोलते हैं, सूखा पड़ा,
पूरा अकाल हो गया, छिछड़े में बोलते ना सूखा पड़ा हुआ है, अकाल है। तो अभी थोड़ा और भी जगह है ऊपर जाने का, अभी है ना और थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऊपर से पूरा आपको एक व्यू दिखाता हूँ, मस्त बहुत अच्छा व्यू दिखता है वहाँ से। ए वीरेन टाइम हो रहा है ऑलरेडी ज्यादा, और बारिश का मौसम भी लग रहा है, आप बादल देखिए पहचान सकते हो, जल्दी आके जल्दी आना भी घर पे, क्योंकि बारिश में कल भीगा था करके थोड़ा था, सर्दी भी हुआ था, हॉस्पिटल गया था, दवा ले, अच्छा लग रहा है। पहले ऊपर जाता हूँ, ऊपर से फिर घर पे भी जाना है और आपको ऊपर के थोड़े व्यूज दिखा दो, उसके बाद निकलते घर के लिए। ये साइड देख सकते हो और आपका ये साइड देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरा गोरेगांव दिखता है, और हम लोग ने अभी नीचे से ऊपर यहाँ से आए हैं और यहाँ से पूरा गोरेगांव दिखता है। अभी हमें जो लोकेशन पे जाना है वहाँ पर, तो वहाँ पर कीचड़ भरा है, न तो वहाँ पर हम लोग आपको दिखा देते पूरा व्यू, दिखेगा दिखेगा। अभी हम लोग जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा फोटो शूट सब करते हैं, तो आपको दिख रहा पूरा गोरेगांव फिल्म, गोरेगांव फिल्म सिटी है ना सब, ये सर इसके इसके पीछे, बट ये एक क्या बोलते हैं इसको, आइलैंड, आइलैंड बोलते हैं ना फिल्म सिटी पे, अरे इसको क्या बोलते हैं, पहाड़, कुछ नहीं पहाड़ी, माउंटेन माउंटेन माउंटेन, क्या बोल रहा है, वो अपने गांव वाली लैंग्वेज, वो खेकड़ी बोल रहा है, उसकी गांव वाली खेकड़ी, अभी उसको पता है क्या। हम लोग को तो यहाँ से गोरेगांव दिख रहा है, अभी बारिश का मौसम लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बूंद गिर रही है, हम लोग बस यही डर लग रहा है कि बारिश गिरेगा तो मैं वीडियो बराबर बना नहीं पाऊंगा और मेरा मोबाइल है जल्दी खराब हो जाएगा, और इसके ऊपर जाने के जा सकते भाई, मत मत कीचड़ है पूरा पूरा गंदे, मत जा वहाँ पर, पूरा कीचड़ है, पूरा पेड़ पूरा कीचड़ कीचड़ जा रहा है, जाओ मैं आपको वहाँ से एक व्यू दिखाऊंगा एकदम मस्त वाला। चालू है देखो, अब हम लोग बहुत डेंजरस प्लेस पे, कौन से जंगल में, अमेजोन के जंगल में जा रहे हैं, अमेजोन के जंगल है, और अब आपको एकदम मस्त प्लेस दिखने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा प्लेस होता है यहाँ से। ये देखो ये है विला और ये है लोकेशन, यहाँ का क्या, अब ये लोकेशन देख क्या मस्त दिख रहा है, समझा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऊपर आओ, और थंबनेल भी तो मिल चुका है हम लोग को, थैंक यू मेरे दोस्त इतना अच्छा व्यू दिखा दिया, देखो दिखा हम लोग का, देखा हम लोग रिपोर्ट मारेंगे डायरेक्ट। अरे बंदा कभी भी एक ही चीज बोलता है रिपोर्ट मारेगा, तो रिपोर्ट बता दे रहा करूंगा, दो या दो तो आईडी से जो किया मैंने, शूट करता ना तेरा, शूट चालू है, तू टेंशन मत ले, तम्बी तेरी शक्ल दिख रही है, अब तू तो फुल पोज देके खड़ा है, और यही है लोकेशन, लास्ट लोकेशन रॉयल पम्प का, बहुत अच्छा प्लेस है, और सामने से गोरेगांव का पूरा आपको दिखता रहेगा फिल्म सिटी, तो प्लीज सो गाइस, आप लोगों ने जैसे कि देखा कि हम लोग यहाँ पर आए, एंजॉय किए, मस्ती किए, बहुत ज़्यादा है मस्ती किए, यहाँ पर अभी भी थोड़े एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है वीडियो शूट फोटो शूट करने के लिए, और यहाँ पर आप जो पीछे विलाज है देखते हो रॉयल पम्प का, और हम और यहाँ पर गोरेगांव फिल्म सिटी है, डायरेक्ट आप यहाँ पर जा सकते हो, तो आप यहाँ पर बारिश के मौसम में आ गए तो बहुत ग्रीन ग्रीन दिखता है, एकदम मस्त व्यू दिखता है, तो वीडियो भी अच्छा बनते हैं, फोटोज भी अच्छे आते हैं, तो हमारे वीरेंद्र को कैसा लगा भाई, तुम जरा बोल दो, तो बाद में तुम कुछ बोलोगे, और बांगोड़ा के टाइम बहुत इंजॉय किया यहाँ पर आकर, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और हम यहाँ आ नहीं पा रहे थे, सेम बांगोड़ा के जैसा सीन है, बांगोड़ा से नजदीक है, लास्ट टाइम उन्होंने वीडियो बनाया था बांगोड़ा का, यहाँ से उधर से सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पर है, आप यहाँ पे आ सकते हो इजीली एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ये देखो तो सब ओयो के होटल से यहाँ पर विला विलास एंजॉय करने आ सकते हो विला, जो भी प्लीज वीडियो आपको अच्छा लग गया हो तो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और वी नीड योर सपोर्ट, नहीं इतना मेहनत मत कर, तो मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, तब भी बोल दे बाय।